मैंगो शेक और बनाना शेक तो बहुत पिए होंगे। क्या आपने मस्कमेलन शेक ट्राई किया है कभी? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मस्कमेलन शेक की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाते हैं। मस्कमेलन शेक बनाने के लिए हम 2-3 चम्मच साबूदाना लेंगे और 1 या 2 चम्मच हम चिया सीड्स लेंगे। इन दोनों को हम 1-2 घंटे तक भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और साबूदाना को हम थोड़ा सा उबाल लेंगे। उबालने से साबूदाना अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 डेट्स लिए हैं और इसको मैं चॉप कर लूंगी। डेट्स गाइस बहुत ही हेल्दी होते हैं और अगर हम डेट्स को यूज करेंगे तो हमें इसमें शुगर डालने की भी जरूरत नहीं होगी, तभी तो हमारा मस्कमेलन शेक हेल्दी बनेगा। और साथ ही मैंने ले लिए हैं 8-10 बादाम, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहो तो बादाम को दरदरा पीस भी सकते हो। और यहाँ पे मैंने मस्कमेलन लिया है और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। जब तक हम मस्कमेलन को काटते हैं, गाइस आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से हमने मस्कमेलन को रफली चॉप कर लेना है। और एक मिक्सर जार में डाल के इसको एक प्यूरे जैसा बना लेना है। अब हम मस्कमेलन प्यूरे को एक बाउल में डाल देंगे और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क यूज किया है। गाइस कंडेंस मिल्क का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहो तो इसमें सिंपल दूध भी डाल सकते हो या इसको ऐसे भी पी सकते हो। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है बॉइल्ड साबूदाना, चिया सीड्स और अपना ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हो और इसमें आप काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हो। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क और मस्कमेलन ठंडा ही था इसलिए मैंने इसमें बर्फ नहीं डाली। अगर आप चाहो तो इसमें बर्फ भी डाल सकते हो और इसको ऊपर से मैं गार्निश करूंगी थोड़े से डेट्स के साथ और आलमंड्स के साथ। गाइस ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लेट्स टेस्ट।